इज अवर सिक्योरिटी, पवित्रता मेरी सुरक्षा, एक है सतो प्रधानता, ये भी हमारी सुरक्षा। तो सतो प्रधान मतलब प्योरिटी भी और बाप की याद भी, जब ये दोनों की कॉम्बिनेशन होती यही हमारी सुरक्षा। तो इसलिए बाबा ने विशेष बहुत अच्छी प्रेरणा दी है, हम ध्यान से सुनेंगे 28:9 के महावाक्य। मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सत्व प्रधान बनेंगे तब यह नेचुरल कैलामिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और ये पुरानी दुनिया समाप्त होगी। तो हमारी सत्व प्रधानता क्या कराएगी? विनाश कराएगी। अच्छा, प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करे, बोलो। बाप का पूरा वर्षा प्राप्त, बाप समान बनने वालों को, बाप अच्छा ओके, बाप समान, समान बनने बाप वालों समान में भी कौन सी बात है जो बाबा कहते हैं वो उसका पुरुषार्थ अशरीरी कर। अच्छा संपूर्ण संपूर्ण अशरीरी, बलिहारी बाबा जो थक से चले गए थे। बाबा की हर बात को मानना पर नीचे बुद्धि निश्चय सीमित बुद्धि, पे चलना दीदी। निमित्त चलना, निश्चय बुद्धि। अच्छा, और जो बताया अभी सीमत पे चलना, बलिहार जाना, देखो बाब पूरा वर्षा मतलब पूरा वारिस, जब पूरा वारिस बाबा को बनाएंगे तो वर्षा, पूरा वर्षा मिले। पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब बाप पर बलिहार करो। अच्छा, उसके लिए कौन सा क्या करना, इजी इजी तरीका है, बाप को अपना बच्चा बना। बच्चे पर बलिहार जाते हैं ना, तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाए। और दूसरा है, संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा, संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी रोटी मिल जाएगी, सजा देकर बाबा कुछ पद दे दे, मोचरा खाकर मानी मिल जाएगी, ये सिंधी वर्ड है। ओम शांति। बच्चों को वो सिर्फ एक याद दीदी, व्हाट इज है, मोजरा? मोचरा सजा, ये सदा सिंधी वर्ड है, और मानी मतलब मक्खन की रोटी, सिंधी में मक्खन की रोटी को, रोटी के ऊपर मक्खन लगाते उसको मानी बोलते हैं। तो फिर कुछ मिल जाएगा, नहीं मानी, मानी में ताजी रोटी, मक्खन उसके ऊपर मक्खन। तो बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना है, फिर कितने की याद में बैठना है? हवा कहते हैं सिर्फ एक की याद में नहीं बैठो, अच्छा घर की भी याद करो, राजधानी भी, तो फिर तीन तीन की याद, एक की याद में नहीं बैठो। नया फॉर्मूला है, बोलो, 1+1 क्या? एक की याद में नहीं बैठो, अच्छा कितने की याद में बैठे? एक नहीं तो दो की, दो दो की, बाप और वर्षा, सुखधाम बाबा कहते तीन की याद में बैठो, बाप शांति धाम और सुख धाम, सुखधाम बाप भी है, शिक्षक भी है, सद्गुरु भी, तीन रोल्स सतगुरु की याद में बैठो। हम सबको वापस ले जाने आए हैं, ये नई बात तुम ही समझते हो। वैसे संबंधों में उसका ऑफिशियल रूप को भी मानना और निश्चय करना, बिलीव करना
अकॉर्डिंगली चलना बहुत जरूरी है। जैसे बाप है, अगर वो प्रिंसिपल भी है, चाहे मेरे लिए भी है, हम सोचे ठीक है ना, मेरा तो बाप है ना, मतलब हम प्रिंसिपल की तरह उस बाप को नहीं मानते हैं, होता है ना ऐसा। चाहे मैं उसी स्कूल में हूं, लेकिन वो काम तो, अगर वो बहुत डिसिप्लिन प्रिंसिपल्ड पर्सन होगा तो वो प्रिंसिपल की तरह सब बच्चों को, तो अपने बच्चों को भी वैसे ही करेगा ना। तो बहुत मुश्किल होता है उसी बाप को एक गुरु के रूप में मानना, शिक्षक के रूप में मानना। तो बाबा इसलिए कहते हैं वो बाप भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, हम सबको वापस ले जाने आए हैं। ये नई बात तुम ही समझते हो, बच्चे जानते हैं। वह जो भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह सब है मनुष्य। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे ना, वह ये तो है निराकार। निराकार आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा द्वारा, आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। ये ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा है रूहानी बच्चों मुझे याद करो तो पाप कट जाए, कहा यहाँ शास्त्र आदि की कोई बात ही नहीं है। जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, कितना भारी टीचर है, ऊंचते ऊंच तो पद भी ऊंचते ऊंच प्राप्त कराते हैं। तो जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सुना, तब फिर लड़ाई होगी। तो बन रहे हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, चल रही है ना लड़ाई, नए नए न्यूज मिल रहे हैं ना, तो तब फिर लड़ाई हो। हम सब की स्थिति अगर देखा जाए तो वीकली बेसिस पे भी देखो तो अधिकतर सबकी अच्छी होती जा रही है, सत्व प्रधान होती जा रही है। तो नेचुरल कैलामिटीज भी होगी, याद भी जरूर करना है, बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर समझाते हैं नई दुनिया के लिए। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं, तुम तो समझदार हो, जानते हो बाप को याद करने से समझदार है। तो क्या जानते हैं, बाप को याद करने से देखो समझदार विकर्म विनाश है। होता, हाँ क्या बोला, विकर्म वर्षा विनाश, मिलेगा। हाँ विक्रम विनाश होंगे, और ऊंच बाप से ऊंच पद पाएंगे अगर समझदार है ना। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ये भी जानते हो लक्ष्मी नारायण से नई दुनिया में जो पद पाया है, इस इन लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया है वह शिव बाबा से ही पाया है। ये लक्ष्मी नारायण ने फिर 84 का चक्र लगाकर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं, यही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे, देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं, मतलब माथा झुकाएंगे अंधश्रद्धा से नहीं, अपने ही स्वरूप का रिस्पेक्ट करेंगे। तो बेशक माथा झुकाओ, हमारा बहुत अच्छा प्यारा सा कभी स्वरूप रहा है कोई बहुत डिवाइन, तो हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो पर अंधश्रद्धा से नहीं, कहते आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी विकारी है, कोई गुण नहीं है। तुम जिनकी महिमा गाते थे अभी तुम स्वयं बन रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। किसी ने, कोई भी संस्था धर्म ये नहीं सिखाया कि ऐसे तुम बनो, इनको भजो, इनको पूजो, इनको मानो, ये बोला। तो बाबा कहते अब तुम वैसे बन रहे हो। कहते बाबा ये शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ है, बाप कहते जब से रावण राज्य शुरू हुआ। ये सब है भक्ति की सामग्री। तुम जब या तो भक्ति भी, भक्ति मार्ग से शास्त्र शुरू हुई, तो भक्ति कब से शुरू हुई, रावण राज्य से। तो शास्त्र कब से पढ़े, भक्ति रावण राज्य से। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। यह संस्कार आत्मा ले जाएगी, भक्ति के संस्कार नहीं जाने, ज्ञान
ज्ञान के संस्कार आत्मा ले जाएगी। भक्ति बच्चों के भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्य के पास ही जन्म लेंगे, ये भी जरूर है। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान का चक्र चलना चाहिए। साथ साथ बाबा को भी याद करना है, बाबा हमारा बाप भी है। अच्छा, बाप को याद किया तो विकर्म विनाश होंगे, बाबा हमारा टीचर भी है तो पढ़ाई बुद्धि में आएगी, और सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में है जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ऐसा टीचर बाबा को याद करना, वैसे ऐसा गुरु और ऐसा फादर तो ज्यादातर याद करते, ऐसा टीचर कौन याद करता है बाबा? कोई नहीं याद। ऐसा टीचर शिक्षक बाप भी है वो ज्यादा प्रिवेलेंट रहता है ना बुद्धि में। नॉट पर्टिकुलर टीचर के रूप में वैसे, पर ये हाँ कि भाई आप जो टीचिंग्स देते हो वो कहीं और नहीं है, दैट वे हाँ, उस थोड़ा। तरह से है, पर बाबा टीचर है, एकदम डिसिप्लिन होके करना है। ये वाला ना टीचर मतलब बहुत उसमें लिबरल नहीं हो सकते, डिसिप्लिन होना है ना। बाप ऐसे टीचर, क्लास में कैसे जाना है, टीचर भगवान है, भगवान सामने टीचर बैठ के बैठा है, तो क्लास में क्लास की डिसिप्लिन, मुरली की डिसिप्लिन कितनी होती है। बाप ऐसा टीचर याद करना है। तो बाबा कहते हैं, अच्छा कहाँ है, हाँ बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। उनको उसको भक्ति का सारा मालूम है, भक्ति कब से शुरू हुई, कब पूरी होगी। मनुष्य को तो ये पता ही नहीं है, अब बाप ही आकर समझाते हैं। अच्छा, बाप हमारा टीचर भी है तो बड़ा ही बुद्धि में आएगी, और सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में है जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, बीच में फिर याद की यात्रा चल रही है, बाबा याद में बिठा दिया सबको। सत्युग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे, वहां भक्ति का नाम ही नहीं है, एक भी मंदिर नहीं था। सत्युग में एक भी मंदिर नहीं, एक भी देवी देवता की मूर्ति नहीं, भगवान का नाम नहीं, कौन सी दुनिया, कंप्लीट नास्तिक। तो बाबा हमको क्या बना रहे, तो वहां एक भी मंदिर नहीं था। कोई सोचा कभी ऐसी दुनिया हो सकती है, सब देवी देवता ही थे। मतलब साक्षात देवी देवता थे ना, श्री कृष्ण के समय श्री कृष्ण के मंदिर थोड़ी थे। कभी सुना जो भी लीलाओं में श्री कृष्ण के मंदिर उस समय थे, सब देवी देवता ही थे। पीछे जब आधी दुनिया पूरी होती है, यानी 2500 वर्ष पूरे होते हैं, अथवा त्रेता और द्वापर का संगम होता है, तब रावण आता है। अच्छा, संगम तो जरूर चाहिए, त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते हैं, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। मतलब कौन सा समय, संगम क्यों बोला बाबा ने, त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आता है। बाबा भी कब आता है, तो उसी तरह त्रेता और द्वापर का संगम मतलब क्या हुआ बोलो। कलयुग, बाबा भी कहता कब आता है, कलयुग और सत्युग का संगम मतलब कब आते हैं बाबा। जब त्रेता से द्वापर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा उस समय, द्वापर हाँ, तो वो बताओ ना टाइम। के पहले माने त्रेता एंड त्रेता द्वापर, एंड, त्रेता एंड द्वापर बिगनिंग। एंड, बाबा भी कब आए, कलयुग एंड, तो रावण भी कब आया, त्रेता एंड, त्रेता और द्वापर के संगम पर। थोड़ा सा त्रेता बचा होता है, अब वो कितना उसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इसलिए बाबा ने कहा। इसलिए वो वाम मार्ग थोड़ा सा शुरू हो जाता है, देवताओं में वैसा शुरू हो जाता है, प्योरिटी खत्म हो जाती है उन दिनों, बॉडी कॉन्शियस शुरू हो जाता है, अथवा त्रेता और द्वापर का संगम होता है तब रावण आता है। संगम तो जरूर चाहिए ना,
त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते, जबकि सुनो देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। समझा? सभी ने समझा? देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं, मतलब इम्प्योरिटी शुरू हो जाती है त्रेता एंड तक। तो अब जैसे इसलिए श्री कृष्ण की लीला में क्या बताया, देखो एंड टुवर्ड्स एंड यादव कुल हुए, और फिर मतलब श्री कृष्ण के वंशज लगे ही नहीं, वो इस तरह के पूरे उनके एटिकेट्स हो गए, उनके चाल चलन पूरी वेस्टर्नाइज्ड हो गई। तो खैर वो तो है कलयुग की निशानी, लेकिन वो ही श्री कृष्ण के समय और बाद में लास्ट में उन्हीं के वंशज कैसे हो गए। तो देवी देवताओं का भी लास्ट वाला जो फेज होगा ना, ऐसा देवी देवता वाम मार्ग शुरू हुआ तो दर्द शुरू हुआ, रावण आ गया ना तो मतलब क्या हुआ, विकार आ गए, बस फिर दर्द शुरू हुआ। तो ये सिवाय तुम्हारे कोई जानते ही नहीं है, बाप भी आते हैं कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर, और रावण आता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। अब उस संगम को कल्याणकारी कहेंगे, उस संगम को रावण वाला उसको कल्याणकारी नहीं कहेंगे, उनको तो अकल्याणकारी ही कहेंगे, बाप का ही नाम है कल्याणकारी। द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता है। बाप तो है बीज रूप चैतन्य, उनको सारे झाड़ के नॉलेज है, वो बीज भी अगर चैतन्य हो तो समझावे, वो जड़ झाड़ के बीज, मेरे से ये झाड़ ऐसे निकलता है, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकता। हम समझ सकते कि बीज डालने से पहले झाड़ छोटा सा निकलता है, फिर बड़ा हो फल देना शुरू करता है, परंतु चैतन्य ही सब कुछ बता सकते हैं। दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं, चंद्रमा में जाने की कोशिश करते हैं, ये सब बातें अभी तुम सुन रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। हर कोई को चंद्रयान का नॉलेज है, छोटे छोटे बच्चों को भी है ना, बड़ी हमारे से भी ज्यादा नॉलेज है, छोटे छोटे बच्चे आजकल चंद्रयान और एक्यूरेटली बताते हैं। चंद्रमा तरफ कितना ऊंच, लाखों माइल्स तक चले जाते हैं जांच करने के लिए कि देखे चंद्रमा क्या चीज है, समुद्र से कितना दूर तक जाते हैं जांच करते हैं, परंतु वो सब, वो भी समुद्र की गहराई और वो सब नापने के लिए जाते हैं ना, परंतु अंत तो पा नहीं सकते, पानी ही पानी है। अच्छा एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, उन्हों को पेट्रोल इतना डालना है जो फिर वापस भी आ सके, आकाश बेहद है ना। ये प्रॉब्लम हुई थी ना अभी, ये सुनीता विलियम्स का पेट्रोल नहीं था ना तो आकाश बेहद है ना, सागर भी बेहद है, जैसे ये बेहद का ज्ञान सागर है, वह है पानी का बेहद का सागर। आकाश तत्व भी बेहद को बेहद है, धरती भी बेहद है, चलते जाओ धरती भी तो बेहद है, सागर के नीचे फिर धरती है। अच्छा पहाड़ी किस पर खड़ी है, देखो सागर के नीचे धरती है, सागर भी धरनी पर है, उसका कोई अंत नहीं पा सकता है। अच्छा पहाड़ी किस पर खड़ी है, धरती पर। अच्छा फिर धरती को खोदते हैं तो पहाड़ निकलता है, निकल आता, उसके नीचे फिर कहीं भी खोदो धरती पे, कहीं भी खोदो क्या होता है, पानी निकल आता है। प्रूव्ड क्या है, पानी है ना नीचे, पानी पर धरती खड़ी है और पानी के नीचे फिर धरती है ये न्यू ये ज्योग्राफी है, ये प्रूव्ड है, पानी के नीचे भी धरती है, ये प्रूव्ड है, नहीं तो फिर क्या हो सकता है सागर भी धरनी पर है, तो उसका कोई अंत ही नहीं पा सकते कि कहाँ तक पानी है कहाँ तक धरती है। परम पिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे, मनुष्य बल कहते ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, परंतु तुम समझते हो ईश्वर तो बेअंत हो नहीं सकता। हाँ बाकी ईश्वर बेअंत नहीं है, क्या बेअंत है,
हाँ गुण शक्ति ज्ञान उसकी महिमा। क्या ड्रामा। ईश्वर बेअंत नहीं है, लेकिन ये आकाश तत्व, ये या आकाश वायु, ये बेअंत है, पार नहीं पा सकते ना इसका। ईश्वर का तो आदि मध्य अंत क्लियर है, पूरा रोल क्लियर है। तो अब एक्चुअली उन्होंने बेअंत क्यों कह दिया, क्योंकि सोचे कि ईश्वर ये सब फिजिकल सोचा ना, कि इस तत्वों से भी बड़ा है राम, अनंत अनंत गुण, मतलब इस तरह से कोट। हरि अनंत हरि कथा अनंता। नहीं वो एक अलग है, राम काम सत कोटि सुभगत न दुर्गा कोटि अमित हरि मर्दन, मतलब करोड़ों ये सेतु के समान शक्तिशाली है, करोड़ों ही पहाड़ों के समान, मतलब इस तरह से बताया उनको। तो ये पांच तत्व आकाश वायु, ये पांच तत्व तमो प्रधान बन जाते, आत्मा भी तमो प्रधान बनती है, और फिर बाप आकर सत्व प्रधान बनाते। कितनी छोटी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है, इसको कहेंगे ना बेअंत। कितनी वंडर है, हूबहू सारा पार्ट रिपीट होता है उसमें, समा जाता है। तो ये जो PLR कराते हैं ना, क्या बोलते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो वो बताते हैं कि मतलब तुरंत जिस जिस भी वो इसमें जाते हैं ईयर में, और उस समय की स्थिति में पूरी जो वाइब्रेशंस है वो सब कैच कर पाते हैं इजीली। पूरी साइंस है इसकी, साइंस क्या थेरेपी है आजकल तो। तो अब एक कैसे हुआ, पूरा रिकॉर्डिंग है आत्मा में, हर चीज का रिकॉर्डिंग है, चाहे कभी कभी हम कॉन्शियस माइंड में भूल भी गए हो, याद नहीं आता है, रिकॉर्डिंग पूरी है। यही तो आत्मा का वंडर है ना, पूरी रिकॉर्डिंग है। तो बाबा कहते हैं कितनी छोटी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है, ये चक्र फिरता रहता है, ये अनादि नाटक है, इसका अंत ही नहीं होता है, यह परंपरा से चलाता है। कब से शुरू हुआ यह कहे तो फिर अंत भी हो, बाकी ये बात समझानी है, कब से नई दुनिया शुरू होती है फिर पुरानी होती है, ये 5,000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम जानते हो, बाकी उन्होंने तो धुक्का गपोड़ा लगा दिया है, शास्त्रों में लिखा है कि सत्यु की आयु इतने लाखों वर्ष है, तो मनुष्य सुनते सुनते उनको ही सच समझ लेते हैं। कोई भी चीज कंटिन्यूसली आप सुनते जाओ, बचपन से सुनते जाओ, परंपरा से चली आती है, हवा में है, सब बिलीव करते हैं, सब मानते हैं, किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, और सदियों से चली आ रही है ये सब फैक्टर्स, क्या करते, ऐसा ही होगा, कोई चैलेंज ही नहीं करता, इसीलिए मान लेते हैं। और फिर ऑल ऑफ अ सडन ब्रह्मा कुमारी जाके कहती है ये सब नहीं है, 5,000 वर्ष है। तो बाबा कहते हैं तो सच समझ, सुनते सुनते उनको ही सच समझ लेते हैं, ये पता ही नहीं पड़ता भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे। न जानने के कारण कह देते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष अभी पड़ी है, जब तक तुम न समझाओ। अभी तुम निमित्त हो समझाने के लिए कि कल्प 5,000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्ष का। बाबा कहते हैं तुम निमित्त हो ना समझाने, समझने समझाने के लिए। जब तक तुम न समझाओ, न जानने के कारण कह देते कलयुग की आयु 40,000 वर्ष अभी पड़ी है, जब तक तुम न समझाओ। अभी तुम निमित्त हो समझाने के लिए कि कल 5,000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्ष का है। कोई भी चीज की फास्ट प्रोग्रेस होती है ना, शरीर का भी फास्ट डिट्यूरेशन शुरू हो जाता है, एक-एक ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाता है, तो क्या कहते हैं, बस अब नहीं है। अब क्या हो रहा है, फेलियर हो रहा है ना, सरकार का फेलियर हो रहा है, गवर्नमेंट बाकी प्रकृति भी अपना फेलियर बता रही है, आत्माओं का स्वभाव तो पूछो मत, चरम सीमा पे चल रहा है।
तो ये सब फेलियर बार बार, चाहे कितना भी ज्योतिष ने कहा इनकी आयु इतनी होगी, लेकिन अगर फेलियर सामने दिख रहा है हम क्या कहेंगे, ज्योतिषी को मानेंगे या सामने दिख रहा है प्रैक्टिकल जो सामने है? तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो अभी तुम निमित्त हो समझाने के लिए कि कल्प 5,000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्ष का। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है, मनुष्य को पैसा होता है तो फिर खर्चा करते हैं। अच्छा बाप कहते हैं, मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूं, बेहद का बाप तो जरूर बेहद का वर्षा देंगे, इससे सुख भी मिलता है, आयु भी बड़ी होती है। बाप बच्चों को कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, क्या वरदान देना है, क्या चाहिए वरदान, बोलो। अभी वरदान दे रहे हैं, जिसको जो जो वरदान चाहिए याद करो, मेरे लाडले बच्चों, नहीं चाहिए, लो 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 वरदान, पूरा प्यार में उमड़ रहा है बाबा। लॉन्ग लाइफ, आयुष्यवान भव, जाइए ये वरदान बाबा। दुनिया में कहते ना, ज्यादा मुझे ये दुनिया में नहीं देखना, हमको चाहिए आयुष्यवान भव का वरदान। किसको चाहिए? राजू बहन चाहिए आयुष्यवान भव, सेंटेनरी नहीं चाहिए? जितनी भी बड़ी आयु होगी उतनी हम पुरुषार्थ करेंगे, सेवा करेंगे, कमाएंगे ना, पूरे कमाने का टाइम अभी है, जितनी जितना ज्यादा कमा सके, तो बेशक आयुष्यवान भव। तो बाबा कहते हैं, देखो सुबह हम लोग सभी लेते ही है ना बाबा से आशीर्वाद, वरदान लेते हैं ना ऐसा गुरु अमृत वेले, पर अभी तक मैंने कभी आयुष्यवान का वरदान नहीं लिया। कोई लेता है? हालांकि बुजुर्ग बड़े होते हैं ना, तो सबसे पहले पहले दो ही वरदान देते, सुखी रहो, पहले तो आयुष्यवान का ही वरदान देते थे सुखी, आजकल वो चॉइस हो जाता है बच्चों के, बोला वो मत दो, मन को सुखी रहो, तंदुरुस्त और सुख का दो। पर बाबा कहते हैं आयुष्यवान भव का कल से ये भी वरदान लेना है रोज। तुम वहां, तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है, कभी काल नहीं खा सकता, बाप वर देते हैं तुमको आयुष्यवान बनाते हैं, तुम अमर बनेंगे, वहां कभी अकाली मृत्यु नहीं होगी, वहां तुम बहुत सुखी रहते हो, इसलिए कहा जाता है सुख धाम, आयु भी बड़ी होती, धन भी बहुत मिलता है, सुखी भी बहुत रहते, कंगाल से सिरताज बन जाते। तुम्हारी बुद्धि में है बाप आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने, वो तो जरूर छोटा झाड़ होगा, वहां है ही एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, उसको ही कहा जाता है विश्व में शांति, सारे विश्व में हम ही पाटधारी है, ये दुनिया नहीं जानती, हम ही पाटधारी है सारे विश्व में। क्यों पाटधारी तो सारे हैं बाबा कहते, शुरू से तुम ही आते कहो, हैं ना, शुरू से लेके अंत तक। टोटल कंप्लीट पाट, हीरो पाटधारी तो हम ही है ना, और हीरो का पाट क्यों बाबा हमेशा कहते हैं हीरो, पूरे फिल्म में हीरो का पाट कब से शुरू होता है, शुरू से, इसलिए तुम्हारा हीरो पाटधारी है। तो बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, सारे विश्व में हम ही पाटधारी है, ये दुनिया नहीं जानती, अगर जानती तो बताए कब से हम पाठ बजाते आए हैं, स्टार्टिंग कब से हुई, अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। गीत में भी है ना, बाप से जो मिलता है और कोई से नहीं मिलता, सारी पृथ्वी आसमान सारे विश्व की राजधानी दे देते हैं, तो ये एक लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, फिर बाद में जो राजा आदि होते वो भारत के थे, गायन भी है जो बाबा देते हैं वो और कोई दे ना सके, बाप ही आकर प्राप्ति कराते हैं, तो ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को भी समझा सको, इतना समझने का है। अच्छा अब समझा कौन सकता है, बाबा का सारा ज्ञान समझा कौन सकता है, ये समझाने की सेवा कौन कर सकता है,
जो समझा हुआ, एक अच्छी बात बाबा ने कही, सेवा से भी कनेक्टेड है। जो बंधन मुक्त हो वही तो सेवा दे कर सकते, समझा सकते। बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं क्या कहेंगे कितने बच्चे हैं, दो। हाँ, बाबा को लेकर प्लस हमारे लौकिक बच्चे। 1+ या 2 या 3+1, 1+2 या 2+1, किसका 1 2+1 है? 1 को पहले वन ऊपर प्लस रखना है। टू 1+2 है। हाँ, 1+3 है, 3+1 नहीं है। अगर बड़ा बाबा को बनाएंगे ना तो वो तीनों का ख्याल रखेंगे, बाबा को छोटा बनाएंगे ना वो सिर्फ आपका ख्याल रखेंगे। तीनों तो बाबा कहते हैं, तो कहते हैं 5 बच्चे और छठा बच्चा शिव बाबा है, तो जरूर यहाँ तो छठा बोला है, पर हम तो 1+ के फॉर्मूला से चलते हैं। तो बाबा कहते तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहराना, शिव बाबा के बन गए तो फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए विश्व का मालिक बना देते। पहले बच्चा बनाओ, वारिस बनाओ तो वर्षा देंगे, बच्चे फिर वारिस हो जाते। बच्चा बनाना इम्पोर्टेंट क्यों है? वैसे इंडिया में भी है लेकिन विदेशों में तो बहुत है, कहीं भी वो सिंगल भी होते हैं तो उसको बच्चा बनाते ताकि वो पूरा प्रॉपर्टी इजीली लीगली कोई प्रॉब्लम ना हो उसको मिल जाए। तो बाबा भी कहते हैं बच्चा बनाएंगे तो वारिस बनाएंगे तो वर्षा मिलेगा, पूरा प्रॉपर वारिस। शब्दों के लिए तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन एक्चुअली फील करें बाबा मेरा वारिस, इक्वली फिर बाबा का हक होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे वारिस हो जाते, शिव बाबा के बन गए तो फिर शिव बाबा, देखो शिव बाबा के बन गए फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए विश्व का मालिक बना देते, बच्चे वारिस हो जाते। ये लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस हैं। शिव बाबा के वारिस क्यों? बाबा ने लक्ष्मी नारायण को पूरा वर्षा दिया तो शिव बाबा के पूरे वारिस हैं। क्यों? लक्ष्मी नारायण क्यों? बोलो सुलभा बेन, बोलो क्यों पूरे वारिस हैं? हाँ, तो संगम युग में बाप बाप को पूरा वारिस बनाया। को सब दे दिया। हाँ, पूरा वारिस बनाया मेरे, पूरा इसका बाबा ने पूरा साथ में अपने 16 फैमिली मेंबर्स को उस रात को पूछा, सबको बिठा के पूछा, देखो मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ, आप सभी सहमत हो? ऐसे नहीं उठा के दी, सहमत किया, सहमति ली। और बाप बाबा को तो वो एक संबंधों का जो सुख का भाग्य है वो बहुत पहले से था, सब रेडी। पर दिल पहले तो, सबसे पहले क्या चाहिए? कोई कहे कि भाई हमारे रिलेटिव्स नहीं माने, सबसे पहले क्या चाहिए? पहले अपना दिल चाहिए, रिलेटिव्स तो बहुत बाद में आते हैं, जहां दिल होता है ना वहां बहुत कुछ हो जाता है, पहले दिल चाहिए। तो बाबा क्या कहते हैं मुझे? हाँ, तो लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस है क्यों? आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया तो वर्षा जरूर बच्चों को मिलना चाहिए। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, फिर दूसरे को नहीं बनाए, बोलो जी मुझे वारिस बनाओ तो फिर दूसरा कोई नहीं। कहते बाबा ये सब कुछ आपका है, फिर आपका फिर हमारा है,
आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो, क्योंकि तुमको जो कुछ था वह दे दिया। ड्रामा में नून देना, अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और तो नहीं है, इनको साक्षात्कार हुआ, देखा राजा ही मिलती है, तो क्यों ना शिव बाबा को वारिस बनाऊं। किसकी बात थी, किसकी बात थी, अम्मा बोलो। बाबा, ब्रह्मा बाबा। हाँ राजू बहन बताओ किसकी बात थी। अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो देखा राजा ही मिलती है, तो क्यों ना शिव बाबा को वारिस बनाऊं, ब्रह्मा बाबा की। वह फिर हमको वारिस बनाते, मुझे इतना बड़ा मिल रहा है, उसके सामने ये है क्या। देखो बाबा ने अपना सब कुछ दिया, आज बाबा के पास जितना घर है, बाबा के जितने घर है और किसी के है, हम क्या कहते हैं, बाबा के घर में जा रहे, बाबा के घर में जा रहे, बाबा का घर। हर अगर चलो शिव बाबा का देखो वो अलग है, और हर घर में ब्रह्मा बाबा, हर बाबा के बच्चे के एक कमरा बाप ब्रह्मा बाबा, जिसने इतने सारे कमरे दे दिए ना, उसके लिए हर घर ने एक कमरा साथ दिया में नहीं बाबा, कराना वहां से, ठीक ठीक है। है ना। उसने तो बाबा कहते हैं सब कुछ दे दिया, वो फिर हमको वारिस बनाते हैं, क्योंकि देखा कि राजा ही मिलती है, यह सौदा तो बहुत अच्छा है, कभी कोई से पूछा ही नहीं, गुप्त सब कुछ दिया। मतलब एक स्टोरी में ये बोलते हैं कि बाबा ने वैसे बताया, लेकिन अफकोर्स गुप्त तो था ही, इसको कहा जाता है गुप्त दान। अथॉरिटी पूरी थी तो यूज किया अपनी अथॉरिटी को, किसको क्या पता इनों को क्या हो गया। बताते हैं ना निर्मल शांता दादी, हमेशा बाबा जब भी आते थे दादी के ससुराल में, तो ज्वेलर थे, और बेटी के पास जाए तो क्या लेके जाते थे, कुछ ना कुछ जो लेटेस्ट डिजाइन होती थी वो ले जाते थे। इस बार बाबा आए पधरामणी के बाद, बाबा कुछ भी नहीं लेके आए, ये तो उनके सास ससुर को बड़ा आश्चर्य लगा, ऐसा कैसे हो सकता है बेटी के घर आए, और ऐसे बाबा जो इतना दिलदार है। फिर पता लगा कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है, बेटी को लगा कि बाबा में कुछ चेंज आया है, कुछ मिला है, और फिर बोला कि आज मैं तुमको ज्ञान रत्न दूंगा, बाबा ने वही दिया। तो बाबा ने कहा देखो इतना, मतलब बाबा करते थे, किसको तो किसको क्या पता इनों को क्या हो गया, किन्होंने समझा, इनको वैराग्य आया, शायद सन्यासी बन गया। तो ये बच्चिया भी कहती है, पांच बच्चे तो अपने हैं, बाकी एक बच्चा हम आपको बनाएंगे, इनको बनाएंगे। इसने भी सब कुछ बाबा के आगे रख दिया, उतना त्याग जो ब्रह्मा बाबा का त्याग था, आज पूरे यज्ञ में आज तक इतना त्यागी कोई नहीं बना जो बाबा ने किया। तो इसने भी सब कुछ बाबा के आगे रख दिया, जिससे बहुतों की सर्विस हुई। 14 साल 400 आत्माएं प्रिंस प्रिंसेस की तरह की पालना मिले, ये बाबा की कितनी बड़ी सेवा की। और जब कोई और मिल था भी नहीं यज्ञ में, बाबा को देख सबको ख्याल आया, सब घर बार छोड़ भाग आए, वहां से ही फिर हंगामा शुरू हुआ। घर बार छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई, शास्त्रों में भी लिखा है भट्टी बनी थी, क्योंकि तो उन्हों को एकांत जरूर चाहिए, सिवाय बाप के और कोई याद न रहे, मित्र संबंधियों आदि की भी याद न रहे, क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनाना है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस पर ही मुसीबत आती है। कहते थे ये स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है, क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा न बने तो मारा मारी चल पड़े। तो क्या बाबा कहते हैं, इन सब ने भी मारे खाई है, ये है क्यों क्यों मारे खाते हैं,
अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं। पहले पहले तो बहुत डोमिनेटिंग नेचर था सोसाइटी, मेल डोमिनेटिंग, पुरुष प्रधान समाज था, तो उस तरह से करते थे। और अभी बहुत अलग तरह, कम्युनिकेशन बंद कर दो, बात ना करो, एक्सेट्रा। तो बाबा कहते हैं इन सब ने भी मारे खाई है, क्योंकि अचानक नई बात हुई ना, सब आश्चर्य खाने लगे, यह क्या हुआ जो इतने सब भागते हैं, मनुष्य में समझ तो है नहीं। इतना कहते थे कोई ताकत है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ जो अपना घर बार छोड़ भागे। एक दो भागे, देखो अगर आप भक्तांत पढ़ते हैं, भक्तों में भी वो भागे, हाँ, जिस जिसको बहरा आ गया, लेकिन इकट्ठा इतने सारे भागे, ऐसा सुना कोई भक्ति का काल? सुमन बहन, कांता बहन का है? वो नहीं, वो नहीं दिखा ना। से तो नहीं, पर जो है ना कि गोपियां भाग लेती थी मुरली सुनते, यहाँ यहाँ मुरली सुनते, सुनकर वो दीवानी होती थी, वापस हाँ घर आ जाती थी। नहीं, काम छोड़ के भाग लेती थी। हाँ, काम छोड़ के भागी, घर छोड़ के नहीं भागी, काम छोड़ के भागते थे। तो बाबा कहते हैं कि अचानक ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं जो अपना घर बार छोड़ भागे। ड्रामा में ये सब चरित्र शिव बाबा के हैं, कोई हाथ खाली भागे ये भी खेल है। जैसे जिसको संकल्प आया, जो एक दो भागे उसको देख, दूसरे भागे उसको देख, सबको ख्याल आता था। जानकी दादी भी देखती थी ना, जानकी दादी के तो बंधन थे, स्टोरी तो हम लोग ने सुनी हुई है सभी ने, कैसे दादी को फील होता था अभी भागू अभी भागू। और एक बार युगल को भेज दिया, मतलब वहां बाहर गए कैलकटा कहीं बिजनेस पर्पस में, दादी भाग ही गई, क्योंकि फिर उसने वो लाके भाग बहुत मारा भी। और फिर बाद में तो बाबा बोल दिया, इतना मार खाया, फिर बाबा को बोला, बाबा ने कहा आ जाओ। तो इसी तरह मनमोहिनी दीदी का है, जब उस युगल ने हाथ उठाया तब बाबा ने कहा अब नहीं रह सकते। हाथ उठाने के बाद तो फिर कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रही ना, ये तो विकार का तो अति हो जाता है। तो जो भी अभी भी कभी कोई डिसीजन लेते हैं, इस तरह का जब ये हालत हो जाती है कि भाई हाथ उठाने लगे, फिर तो क्या रहा, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो इससे भी पता चल जाता है कितना आत्माएं स्वार्थी है। प्यार जस्ट प्यार मतलब ही जहां स्वार्थ नहीं है, तो ये तो प्यार है ही नहीं, जीरो है। गुस्सा करो ठीक है, ये सब करो, हाथ उठाना ये ठीक नहीं है, ये नॉट अलाउड है। तो बाबा ने दीदी को भी तब बोला कि अब इतनी रॉयल फैमिली और हाथ उठाया आपके ऊपर, अब आप तुम वहां नहीं रह सकते। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ जो अपना घर बार छोड़े, घर बार आदि सब छोड़ भागे, कुछ भी याद नहीं रहा, बाकी सिर्फ ये शरीर है। जिसने जिससे काम करना है, आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तभी पवित्र आत्माएं वापस जा सकती है। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जा न सके, कायदा नहीं है। मुक्ति धाम में पवित्र पवित्र ही चाहिए, पवित्र बनने में ही कितने विघ्न पड़ते हैं। आगे कोई सत्संग आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़ी होती थी, कहां भी चले जाते थे, यहाँ पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं। यह तो समझते पवित्र बनने भी अगर वापस घर जा न सके, धर्मराज द्वारा अगर पवित्र नहीं बने तो धर्मराज द्वारा मोचरे खानी पड़ेंगे, सजाए खानी पड़ेगी, फिर थोड़ी मानी मिल जाएगी। मोचरा नहीं खाएंगे तो पदवी अच्छा मिलेगा, ये समझ की बात है। बाप कहते मीठे बच्चों तुमको हमारे पास आना है ना, ये पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बन जाना है। फिर जब पांच तत्व सतो प्रधान नए हो जाएंगे, तब तुमको शरीर नए सतो प्रधान मिलेंगे, सारे उथल पाथल हो नए बन जाएंगे। देखो कोई भी बहुत बड़ा नेगेटिव के पीछे का पॉजिटिव एकदम क्लियर है, कन्विंस्ड है, श्योर है,
तो वो नेगेटिव भी नेगेटिव नहीं लगता, होता है ना। कोई भी इस तरह का विनाश फिल्म में भी कोई ऐसा सीन है, उसके बाद पता है कि इतने इसके बाद ये वाला सीन होना है, तो चाहे विनाश के, जब ये कंफर्म्ड है बाद में का सीन, तो वर्तमान का बहुत भयानक सीन भी सहज हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा फिर पहले उथल पाथल होगा, फिर पांच तत्व सत्व प्रधान बन के तुमको ऐसा शरीर मिलेगा, ऐसी दुनिया आएगी। जैसे बाबा इनमें आकर बैठा है, बैठते हैं, देखो बाबा कैसे एग्जाम्पल देते हैं। गर्म महल का तो अनुभव नहीं किया है ना, मतलब याद नहीं है ना अनुभव। तो बाबा कहते हैं जैसे बाबा इनमें आकर बैठते हैं, वैसे आत्मा बिगर कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठे आराम से। गर्भ महल इतना सुख सुविधा उस आत्मा को फील होगा। फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती है। तो जैसे गर्भ महल, वो जब बच्चा आएगा तो जैसे बिजली चमक जाती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। ये सब ड्रामा में नोंद है, एकदम लाइट होता है। हर देवता जब जन्मेगा सत्युग में, एकदम लाइट, जैसे बताते हैं ना श्री कृष्ण के लिए पहले लाइट होती है फिर वो स्वरूप सामने आता है, ऐसे लाइट होगा। अच्छा, साक्षात्कार भी होगा, शरीर छोड़ते समय तो साक्षात्कार होगा, ये तो पता है ना सत्युग का स्टाइल शरीर छोड़ने का। हाँ, मैं आत्मा यहां से छोड़ रही हूं और जहां जाना है वो साक्षात्कार होगा। अच्छा, यहां साक्षात्कार होगा माँ को, इधर जाने वाले को होगा, आने वाले को होगा कि नहीं होगा, कुछ बता नहीं रहे। आने वाले को होगा या नहीं होगा, बोलो जी। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, नहीं आने पता होगा चाहिए, वहां पे कौन किसके लिए आ रहा है, सब पता होगा। होगा पता लगेगा। इसीलिए तो बताते हैं लीलाओं में, क्या बताते हैं, वेलकमिंग तो पूरा आने वाले का ही हो है कि कोई भी देवता जन्मा तो पहले एकदम साक्षात्कार हुआ, उसके बाद फिर वो शिशु रूप और जो भी है ऐसे बताया। तो साक्षात्कार मतलब एक विशेष अनुभव, चाहे साक्षात्कार परेशान बच्चे हो वहां आने वाले को वेलकमिंग है ना, देवता आ रहा है, लाइट होगा। तो बाबा कहते हैं फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती है जैसे बिजली चमक जाती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। ये सब ड्रामा में नोंद है, आगे चल बाबा डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, वानी माँ की बाप जी, बाबा बाबा वाह बाबा वाह। पहला पदम पॉइंट है आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। दूसरा है बुद्धि में सारा ज्ञान रख, बंधन मुक्त बन, दूसरों की सर्विस करनी है। बंधन मुक्त बन, दूसरों की सर्विस करनी है, बाप से सच्चा सौदा करना है। कौन सा सौदा बाबा ने आज कहा?
बाप से सच्चा सौदा करना है। हाँ, जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया, ऐसे गुप्त दान करना है। गुप्त करो, बाबा ने किया। वरदान है, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले, माया जीत भव। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले, माया जीत भव। माया को वेलकम करने वाले, उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं है, साक्षी होकर खेल देखने से मजा आता है। क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं, सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो। क्या करूं, कैसे होगा, लेकिन यही पाठ याद रखो, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएगी। संकल्प बार बार, जो हो रहा है वो अच्छा, ये फीलिंग हो। स्लोगन है, जो सहनशील है वो किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं। जो सहनशील है वो किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं, व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अव्यक्त इशारे, राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है, तो वो राजा के बजाय मंगता मांगने वाले बन जाते हैं। हद की इच्छा भी है व प्राप्ति की उत्पत्ति है। आप दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। तो एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। अखंड महादानी, मेरे हर कर्म से, मेरे मतलब अगर मैं बैठी हूं तो वो रूहानियत वाला हो, वो भी सिखाता है, वो भी देता है। चाहे फिर वो साधारण सोए हुए है। बाबा कहते हर कर्म में महादानी, अखंड महादानी, हर चीज इंस्पिरेशन देने वाला। ओके जी, बाबा के विशेष महावाक्य। तो क्या करना है आज का? याद का चार तो रख ही रहे हैं, और महादानी बनना है। अखंड महादानी देते जाओ, देते जाओ। संकल्प मतलब, जैसे बाबा कहते हैं ना, अगर मैं इधर देख भी रही हूं, वो भी सेवा करे। किसी को दृष्टि देख भी रही हूं, उसमें भी पीछे राज है। और याद का चार्ट लिख रहे हैं, याद का चार्ट लिखना है। एक स्टोरी बताओ, याद का इम्पोर्टेंस कितना इम्पोर्टेंट है, याद करना। बाबा जो कहते हैं ना कि याद से ही तुम्हारा, तो वो उत्तरा जो थी ना, ये अभिमन्यु की युगल, अभिमन्यु था अर्जुन का बेटा। तो वो जब उसने जब शादी होके आई, बोला द्रौपदी से, बोला कि मुझे कोई शिक्षा दो। तो उसने शिक्षा दी कि क्या शिक्षा देंगे, तो बोला कि हमेशा एक बात याद रखना, कोई भी बात हो, सबसे पहले विपत्ति में या कोई भी ऐसी बात हो, श्री कृष्ण को याद करना। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, चीर हरण हो रहा था, पहले पहले मैंने सबको याद किया,
लास्ट में उनको याद किया, तो ये गलती तुम नहीं करना। तो फिर उसके बाद में तो वो स्टोरी है ही कि फिर अभिमन्यु का पता है ना, कैसे सभी मिलकर उसका कर रहे होते हैं। तो फिर वहां का वो चक्र, फिर अश्वत्थामा वो चक्र फिर इसके ऊपर उत्तरा के पास आता है अभिमन्यु को मारने के बाद। अश्वत्थामा ने मारा था उसको, और ये थी गर्भवती। तो उसने तुरंत याद किया श्री कृष्ण को, उसको वो बात याद थी। तो क्या हुआ मालूम है ना, वो पूरी स्टोरी कि किस तरह श्री कृष्ण एकदम उसके चक्र को, मतलब वहां जा रहा था ना, क्योंकि उसको पूरे उसके खानदान का विनाश करना था। अभिमन्यु का कर दिया, अब उसके बच्चे का भी। तो श्री कृष्ण एकदम रक्षा करी, कुछ होने नहीं दिया। तो इसलिए तो फिर वो कौन सा राजा था ना, जिसके कारण भागवत हो गया, राजा परीक्षित। परीक्षित राजा, उत्तरा का बच्चा। तो उसको याद था कि कैसे मैं जब गर्भ में था तो पूरे चक्र ने मेरी रक्षा की थी श्री कृष्ण के, और वो चक्र का कारण क्या था। उस समय उत्तरा ने भगवान को याद किया। बाबा इसलिए कहते बच्चे याद करो, याद करो, ये आदत हो जाए। ओके चलो, सभी गए, ORC गए, सभी पहुंच भी गए होंगे, पहुंच गए सभी। हाँ चलो, बहुत अच्छा है बाबा के इस बार। अरे